शारदीय नवरात्र और मिशन शक्ति के तहत सेंट कोनार्ड की 10वीं की छात्रा गौरी वाशने को सोमवार को एक दिन के लिए थाने का प्रभारी बनाया गया। छात्रा गौरी आगरा के सेंट कोनार्ड की है। चार्ज लेने के दौरान 10वीं की छात्रा ने महिला हेल्प डेस्क पर होने वाले काम की जानकारी दी। उन्होंने फरियादियों की शिकायतें समय पर निपटाने के लिए कहा। महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए पुलिस उपायुक्त डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने आदेश दिया था। डीसीपी सिटी सूरज राय के सामने कार्यभार सौंपा गया था। एसीपी मयंक तिवारी और प्रभारी निरीक्षक आनंद शाही मौजूद रहे। छात्रा ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद महिला हेल्प डेस्क कार्यालय और साइबर हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। छात्रा ने गांव कठवारी अचनेरा निवासी की शिकायत सुनी और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। फरियादियों की शिकायतों पर शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी का कार्यभार ग्रहण करने के बाद गौरी वाशनी ने महिला हेल्प डेस्क कार्यालय और साइबर हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। छात्रा गौरी ने गांव कठवारी अचनेरा के रहने वाले संदीप और उनकी मां की शिकायत सुनी। पीड़ित ने गौरी को बताया कि 18 अक्टूबर को अरतौनी पुल के पास से ईंट का ट्रक खरीदा था। ट्रक चालक और मंडी के ठेकेदार ने संदीप से एक नंबर की ईंट की धनराशि ली थी, जबकि उन्हें पीली ईंट का ट्रक दे दिया। थाना प्रभारी बनी गौरी वाशनी ने मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। अन्य फरियादी को भी उनकी समस्या का जल्द समाधान होने का आश्वासन दिया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राशिद हुसैन की रिपोर्ट।